नमस्कार, मैं तनिषा वावरे आपको मेरी और यूट्यूब टैलेंट हब की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस कविता के माध्यम से मैं उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कश्मीर मानो भारत का ताज, इतनी आसानी से कैसे दे दे उन्हें जो भारत का स्वाभिमान। सन 1999 का ये युद्ध, कारगिल युद्ध, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पैर आगे बढ़ाते हुए यूं ही लड़ गए उन दुश्मनों से, मानो आग में झुलस रहे हो। युद्ध के इस प्रलय में न जाने कितने लोग बह गए, युद्ध के इस प्रलय में न जाने कितने लोग बह गए, रखवाले थे वो देश की आग, यूं ही अपनी जान कुर्बान कर गए। आंखें नम थी लेकिन उन्हें तो लड़ाई लड़ रही थी। माना लड़ाई मुश्किल थी, मगर उस सैनिक को अपनी जान की कहां परवाह थी। पाकिस्तान की घुसपैठ और संकीर्ण साजिश ने तो भारत में बंद कर दिया, इसके माध्यम से भारत पर बमबारी भी की जा रही थी, लेकिन उनका विश्वास तो अटल था, उन्हें अपनी जान की कहां परवाह थी। दुश्मन के पास समाप्त साधन होकर भी वो वहां असंतुलित थी, दुश्मन के पास समाप्त साधन होकर भी वो वहां असंतुलित था और यहां हम थे, जिसके पास समाप्त साधन ना होकर भी संतुलित थे। मन में जीतने की चाह थी, क्योंकि उन सैनिकों को अपनी जान की कहां परवाह थी। दुश्मन की नीति तो साफ थी, कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क तोड़ने की चाह थी। दुश्मन की नीति तो साफ थी, कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क तोड़ने की चाह थी, लेकिन क्या बात करूं मैं उन रखवालों की, जिसके हृदय में तो सिर्फ कश्मीर था, इसे अपनी जान की कहां परवाह थी। कितने पेचीदा होते होंगे वो पहाड़ों वाले सफर, कितने मुश्किल होते होंगे वो जल के रहना, कितना मुश्किल होता होगा उन बंकरों में रहना, कितना मुश्किल होता होगा उन बंजर जमीनों पर सरहदों की रक्षा करना। लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी उस सैनिक को अपनी जान की कहां परवाह थी।